हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अगर आप आर्थराइटिस से परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि इस समस्या में आपको क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वैसे तो 200 तरह की आर्थराइटिस पाई जाती है, लेकिन अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन की, तो सबसे मोस्ट कॉमन है ऑस्टियो आर्थराइटिस और रोमेटोइड आर्थराइटिस। बेसिकली आर्थराइटिस है क्या? आर्थराइटिस है हमारे जोड़ में इन्फ्लामेशन, मतलब जोड़ में दर्द, सूजन व अकड़न। तो हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो हमारे जोड़ में दर्द, सूजन व अकड़न को कम करे, और ऐसी डाइट हमें नहीं लेनी चाहिए जो हमारे जोड़ में दर्द, सूजन व अकड़न को बढ़ाए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजनरेटिव डिजीज़ है, जिसमें वियर एंड टीयर की वजह से हमारे जोड़ों की जो कार्टिलेज है वो ख़राब होने लगती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारा बढ़ा हुआ वजन हमारे जोड़ों पर अत्यधिक वजन डालता है, स्पेशली वेट बियरिंग जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि घुटना और कूल्हे का जो जोड़ होता है उसके ऊपर। तो इसके लिए हमें हमारा वज़न जो है वो कम करना चाहिए, और वज़न कम करने के लिए हमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि स्विमिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, और इसके साथ साथ हमें कम वसा वाली यानी लो फैट डाइट भी हमारे भोजन में हमें सम्मिलित करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो वज़न है वो नियंत्रण में रहे और हमारे जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं उन पर अत्यधिक प्रभाव ना पड़े। अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि घुटनों के दर्द में एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, तो उसके लिए हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। आप चाहें तो उस वीडियो को वहां जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में डाइट की। तो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या खाना चाहिए? तो इसमें है होल ग्रेन सेरेल्स, यानी साबुत अनाज, जैसे कि गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इत्यादि को इनको खाने में शामिल करने के लिए, या तो हम दलिए के रूप में या फिर मोटे आटे के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि आटे में से जो चोकर होता है उसको हमें नहीं निकालना है। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल, यानी कि ताज़े फल व सब्जियां भी हम हमारे भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमें नहीं खाना चाहिए हाईली रिफाइंड फूड्स, जैसे कि ब्रेड है, चीज़ है, केक्स है, बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक है, नमकीन है, पेस्ट्री है, मांस उत्पाद है, या माइक्रोवेव में तैयार भोजन, ये हमें नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा सेचुरेटेड फैट्स है, जैसे बटर है, घी है, एनिमल फैट है, नारियल का तेल है, ताड़ का तेल है, केक है और बिस्किट है, तो इन सब का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें हमारे खाने में नमक और शक्कर की मात्रा भी हमें कम लेनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून और इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जिसका मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे शरीर की कोशिकाओं पर ही हमला करने लगता है और हमारे जोड़ की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसको प्रभावित करता है। इसमें भी मेन जो सिम्टम है वो इन्फ्लामेशन है, यानी कि जोड़ में दर्द, सूजन व अकड़न। और अब बात करते हैं कि हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या खाना चाहिए। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है सोयाबीन एंड टोफू, यानी कि सोया पनीर का इस्तेमाल हम हमारे भोजन में कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स सार्डिनेस, ये एक छोटे आकार की मछली होती है, और सार्डिन मछली का इस्तेमाल भी हम अपने भोजन में कर सकते हैं। इसको हिंदी में पड़वे और कुछ जगह पर चुन्नी मछली के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है सैल्मन, ये भी एक तरह की मछली है जिसको हिंदी में रावस बोलते हैं, इसे भी आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कोड एंड हेलीबट फिश को भी आप अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी फिशेस के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका एक एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं और फिश नहीं खाते हैं, तो इसकी जगह आप इवनिंग प्रीम रोज ऑयल का इस्तेमाल भी अपने खाने में कर सकते हैं। इसका भी एक एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट हमारे जोड़ों पर होता है। इनके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां भी अपने भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में कैरोटीन, कैल्शियम, फोलेट, आयरन व विटामिन सी पाया जाता है।
इसके अलावा आप अपने खाने में केले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम, फाइबर और विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा आप ब्रोकली का इस्तेमाल भी अपने खाने में कर सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन और पोटेशियम पाया जाता है। इनके अलावा आप गाजर का इस्तेमाल भी अपने भोजन में कर सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसके अलावा आप अपने खाने में अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक एक एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है और इसकी मात्र 5 ग्राम मात्रा ही हमारे खाने में सफिशेंट है। इसके बाद है फ्रेंड्स सेलरी यानी अजवाइन के पत्ते। अजवाइन के पत्तों का भी एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट होता है। ये एक एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है और इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल भी हम हमारे भोजन में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस समस्या में किसी एक प्रकार के किसी खाने की चीज़ से हमें एलर्जी हो सकती है, जिससे हमारी ये जो समस्या है वो बढ़ती है। तो हमें उस खाने की चीज़ को ढूंढना है, परंतु ये थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो संदिग्ध हो सकती है। जो संदिग्ध चीज़ें हो सकती है उसमें सबसे पहले आती है डेयरी उत्पाद, जैसे कि दूध है, मक्खन है, पनीर है, दही है इत्यादि। तो इनका इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अंडे है व किसी प्रकार का कोई अनाज व दाल भी हो सकती है, इनका भी इस्तेमाल हमें भोजन में सोच समझ कर ही करना चाहिए। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है और कौन से खाने से एलर्जी है? तो इसका सबसे जो बढ़िया तरीका है वो ये है कि हमें किसी भी चीज़ किस चीज़ से एलर्जी है इसका पता लगाने के लिए हमें एक सख्त एक्सक्लूजन डाइट लेनी चाहिए। लेकिन ये डाइट एक मेडिकल सुपरविजन में या डॉक्टर की देख रेख में ही हमें लेनी चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।